हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज हमारे घर ना सारे लोग बहुत जल्दी से उठ गए हैं और आज ये मैं नई बेडशीट भी बिछा रही हूँ। तो आज मतलब हम लोग इसी में सोए थे और इतना मज़ा आया ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नया नया कुछ होता है कमरे में, कुछ चेंज करो, तो वो वाली एक्साइटमेंट थी। पूरी रात ज्ञानू तो देख के एकदम खुश हो गया था और नींद भी हम लोगों को बहुत अच्छी आई क्योंकि नया नया सा था, जाहिर सी बात है। तो मैं अपनी बेडशीट पहले ठीक कर देती हूँ, मतलब हाँ बेड ठीक कर देती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर और थोड़ा सा आपसे बातें करूँगी। सारा काम मैंने निपटा लिया है और फिर उसके बाद ये मेरा बिस्तर ठीक करना बचा था। तो आज ज्ञानू भी जल्दी उठ गया जिसके कारण मैंने सोचा बिस्तर भी ठीक कर लेते हैं। और आज ना ये मैंने पहली बार ये वाला चादर बिछाया है बहुत दिन बाद, मतलब खरीद के हमने बहुत पहले रख लिया था बट हम इसको निकाल नहीं रहे थे और आज मैंने निकाला है। तो पता नहीं क्यों इतना एक्साइटमेंट होता है ना, मतलब इतनी खुशी के साथ आज हम लोग सोए हैं इसमें कि मज़ा ही आ गया। जैसे होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ लो, तो बस कुछ वैसे ही मेरे साथ होता है। मुझे अगर मैं अपने पिलो कवर भी चेंज करूँ ना तो मुझे उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और आज तो पूरा बेडशीट सहित चेंज हुआ था तो आज इसलिए बहुत अच्छी नींद आई है और बिल्कुल आप मुझे फ्रेश फ्रेश देख पा रहे हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो आज मैं ना खड़ी वाली मसूर की दाल बनाने वाली हूँ, तो आज मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मिश्रा जी को बिल्कुल नहीं पसंद, बाकी तो घर में सबको पसंद है। तो चलो भाई चलते हैं और दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं। तो आ गई हूँ किचन में और किचन में ये मैंने मसूर की जो खड़ी वाली मसूर होती ना उसको धुल के रख दिया था और बस इसको ऐसे थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में ऐसे फ्राई कर लेना है। जैसे फ्राई करते हैं मतलब जो पानी होता है वो पूरा जल जाए और अच्छे तरीके से, जैसे दाल कलहर जाती है ना वैसा वाला करना है हमको। और अच्छे तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। सिंपल सा एक कुकर ले लेंगे हम और कुकर में पानी डाल देंगे। पानी आपको आपके अकॉर्डिंग डालना है, जितना आप गाढ़ा है पतला खाना चाहो। वैसे मेरे ख्याल से ना पानी पहले थोड़ा सा कम ही डालिए, तो अगर बाद में पतली रही तो फिर आप उसको गाढ़ा भी कर सकते हो। और इसी स्टेज पे इसमें नमक वगैरह भी डाल लेते हैं और तेल, थोड़ा सा दाल छलक गई थी तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि आपको पता है मुझे साफ़ सुथरा किचन ही अच्छा लगता है। तो ये देखो जो ये कलहारी हुई दाल थी इसको हम पानी में डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें नमक और हल्दी मिक्स करके मतलब डाल के बस बंद कर देंगे, बाकी कुछ अभी नहीं करना है। बाकी सब कुछ अभी ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, फिर जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगी तब फिर बाकी का प्रोसेस जो भी है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये दाल ना खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, साथ ही हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी लगा देते हैं इस पर ढक्कन और खटाई नहीं डालना है इसमें। तो बस लग गया ढक्कन और अब प्रिपरेशन कर लेते हैं इसको छौंकने की। तो ये रहा मसाला जिसमें कि मैंने प्याज, हरी मिर्च और ये देखो लहसुन ले लिया है। अभी इसको मैं बारीक सा कर लेती हूँ, बहुत ही बारीक सा। प्याज वगैरह तो मैंने अंदर ही चॉप कर लिए थे बिट पे बैठे बैठे बातें करते हुए, लेकिन ये टमाटर रह गया था और टमाटर ना थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जाता है तो बिस्तर में गिरता तो दाग वाग लग जाते, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मैंने सोचा यहीं पे कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, दाल बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है मैंने। आप जिसके साथ प्रेफर करते हो, मतलब सरसों का या फिर रिफाइंड घी, आप किसी के साथ भी छौंक सकते हो, लेकिन हम लोग ज़्यादातर सरसों का तेल ही खाते हैं तो इसलिए मैं सरसों के तेल में छौंकूंगी।
और इसमें जीरा और हींग डाल दिया है। जब अच्छे से चटक गया है तो बहुत ही ज़्यादा बारीक जो हमने कट करके रखे थे सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे प्याज और मिर्ची वगैरह वो सारी चीज़ें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ना इसको सौटे होने देंगे। ये आप समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल वैसा वाला नहीं करना है कि जल जाएं, लेकिन हाँ पारदर्शी हो जाएं और लगने लगे कि हाँ इसमें टमाटर डालेंगे। और टमाटर के साथ हल्का सा नमक भी आप ज़रूर ऐड करा करिए, उससे क्या होता है कि टमाटर गलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और काफ़ी जल्दी गल भी जाता है। तो यहाँ पर टमाटर तो बड़ा बारीक था, जल्दी से ही गल गया था। और ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा मसाला तैयार हो गया है। तब हम डालेंगे हल्का सा नमक, मतलब मुझे पहले ही डालना चाहिए था बट मेरा लेट हो गया और मुझे एक्चुअली अंदाज़ा भी नहीं था कि कितना डालूं, क्योंकि दाल में मैंने डाल दिया था तो इसलिए बहुत थोड़ा सा डाला है। और इस पे इसी में अभी डालूंगी हल्दी पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि दाल में भी हमने डाला था, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और फिर उसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इन सारी चीज़ों को ना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हो तेल, सारा मसाला जो है वो तेल छोड़ दिया है। तो अब डालेंगे इसमें दाल, और दाल ये देखिए आप मेरी इधर थोड़ी सी गिर गई है, तो आप ना बहुत ही सावधानी से करिए क्योंकि जलने का भी खतरा रहता है, नीचे से गर्म होती है और दाल भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली है जो वो भोग लगाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी दाल अलग करके रख ली है जिसमें कि लहसुन मिर्च प्याज ये सब, प्याज नहीं पड़ा है, मतलब मिर्च तो डाल सकते हैं बट प्याज और लहसुन नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको अलग कर लिया है भोग लगाने के लिए। और अभी इसमें डालेंगे छोला मसाला। तो छोले मसाले का ना भाई साहब जो टेस्ट आता है, बिल्कुल आपको फीलिंग आएगी जैसे आप छोला खा रहे हो। तो मैं अक्सर छोले मसाले ज़रूर डालती हूँ उसमें। और ये अब बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, अब निकाल लेते हैं। अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही लूँगी। और आज ना हमारे घर एक अनचाहे मेहमान आ गए थे, बिन बुलाए मेहमान, तो उनको आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा खाना, मैंने मसाला भिंडी बनाई थी और इधर ये सब्जी थी। तो मुझे ना दो सब्जी बनानी पड़ी क्योंकि मिश्रा जी को ये वाली दाल नहीं पसंद थी इसकी वजह से। और ये रहा मसाला, भिंडी बहुत अच्छी बनी थी और ये वाली सूखी सब्जी थी लौकी की और आलू की टमाटर के साथ। थोड़ा सा मैंने ले लिया है इसमें छाछ और अब इंजॉय करेंगे हम खाना। तो आप लोग भी आ जाइए खाने में, क्योंकि सांप वाप निकल आया था ना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे खाने में। और आइए आप लोग भी फटाफट से खाते हैं मिलके, बाकी फिर सारे काम करते हैं। और चलो फिर खा ही लेते हैं तो बात करती हूँ। तो अभी सारा बर्तन वर्तन साफ हो गया है और आज मैंने ना ये, इसको मैंने आप लोगों को दिखाया था तो इसको मैंने धुल के रख दिया है। और एक ये है बहुत पुराना सा, तो इसको सोच रही हूँ पैक करके रख दूँ क्योंकि अब इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। जब से ये वाला आ गया है ना चॉपर, जब से ये वाला चॉपर हम लोग यूज़ करने लगे हैं तब से ये वाले बेचारे की वैल्यू घट गई है। तो अभी इसको, इन सारी चीज़ों को समेट देते हैं, फिर उसके बाद बंद कर दूंगी किचन और थोड़ी देर के लिए आराम फरमाएंगे हम लोग। तो आ गए हूँ छत पे, ये टंकी वंकी निकाल दिया, वंकी मतलब मेरे साथ एक दिक्कत हो गई है, जैसे मैं पानी बोलती हूँ ना पानी साथ वानी, टंकी वंकी ऐसे करके बात कर रही हूँ। तो ये टंकी निकाल दिया है क्योंकि इसमें चावल रखे थे और चावल सब पूरे निकाल के वो पछोड़ दिए गए हैं, सब साफ ऑफ करे गए हैं, तो इनको निकाला गया है जिससे कि थोड़ा सा धूप लग जाए, जो सीढ़ा लग जाती है ना नीचे, जंग वंग ना लगे, जंग वंग।
तो नीचे जंग न लगे उसकी वजह से यहाँ पे इसको रख दिया गया है। और अब ये आज सुबह मैंने डाला था, आज रहेगी। अभी आई हूँ, इसको मतलब अंदर कर दूँगी क्योंकि अब धूप जाने वाली। मौसम ना आजकल थोड़ा सा क्लाउडी वाला है, मतलब थोड़ी देर में क्लाउड, थोड़ी देर में फिर साफ साफ, फिर थोड़ी देर में साफ सुथरा हो जाता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये होता है जब मौसम जैसे ख़राब रहता है तो उसको थोड़े दिन में ठीक होता है, थोड़े दिन में। अभी मतलब आज और कल चलता रहेगा ऐसा। तो इसको अंदर रखूँगी और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, फर्स्ट टाइम आया हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।